इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 23। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 23। सातवें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बांधकर यरोहाम के पुत्र अजरियाह, योहानान के पुत्र इश्माएल, ओबेद के पुत्र अजरियाह, अदायाह के पुत्र मासियाह और जिक्री के पुत्र एलिशापात इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए और उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी। और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज्य करेगा जैसा कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। तो तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों की एक तिहाई लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे द्वारपाली करें, और एक तिहाई लोग राजभवन में रहे और एक तिहाई लोग नेव के फाटक के पास रहे, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहे। परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर आने न पाए। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र हैं, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। और लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहे, और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और भाले और ढाले जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला, उसके सिर पर मुकुट और साक्षीपत्र धरकर उसे राजा बनाया, और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुन पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई, और उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरहिया बजा रहे हैं, और गाने बजाने वाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा कि उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा कि उसे यहोवा के भवन में न मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई, और वहां उन्होंने उसको मार डाला। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियों और मूर्तों को टुकड़े टुकड़े किया, और मत्तान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवीय याजकों को ठहरा दिया जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दलदल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें, और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करे और गाए। और उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वह
भीतर जाने न पाए और वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार ही डाली गई थी।